नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। दिल्ली का बेकाबू कोरोना मीटर आज कितना भागा? अहमदाबाद भोपाल में कोरोना कर्फ्यू क्यों लगा बताएंगे, लेकिन उससे पहले लखनऊ की एक डेथ मिस्ट्री से जुड़ी खबर। समाजवादी पार्टी के एमएलसी अमित यादव के फ्लैट में गोली लगने से मौत का मामला सामने आया है। मौके पर पुलिस पहुंचकर जांच में जुटी है। घटना हजरतगंज के लाप्लास अपार्टमेंट की है। फ्लैट नंबर A201 में यह घटना हुई है। कल रात बर्थडे पार्टी के दौरान गोली चलने की घटना है। गोली से घायल राकेश नाम के एक शख्स की मौत की खबर है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर चुकी है। पुलिस फिलहाल जांच कर रही है कि यह हत्या का मामला है या गलती से ही गोली चली। पुलिस के मुताबिक पिस्टल अवैध थी। फ्लैट में मौजूद चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शुक्रवार रात 10:45 बजे हजरतगंज के पौश इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया है जब यहाँ पर एक फायरिंग की सूचना पुलिस को मिलती है। पुलिस जब मौके पर पहुँचती है तो ये पता लगता है कि सामने जो फ्लैट आप देख रहे हैं, फ्लैट नंबर A201, ये शाहजहांपुर से समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं अमित यादव, ये उनका फ्लैट है और इस फ्लैट में गोली चली गई है। बताया जाता है कि बर्थडे पार्टी के दौरान यहाँ पर फायर हुआ है। हालांकि ये अभी तक ऐसा लग रहा है कि ये एक्सीडेंटल फायर है, गलती से चली हुई गोली का मामला सामने आया है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर गोली चली है उसकी पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। राकेश रावत नाम का शख्स था जिसको कि गोली लगी है और उसके बाद उसके दोस्तों ने ही उठा करके यहां से ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया है जहां डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित किया है। ये बताया जा रहा है कि यहां पर कुल 5 लोग मौजूद थे। 5 लोगों में पुरानी दोस्ती है, वो यहाँ पे बर्थडे पार्टी मनाने के लिए आए थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। एक्सीडेंटल फायर का मामला सामने लग रहा है लेकिन सभी बिंदुओं की जांच की जा रही है। यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया है, फॉरेंसिक एग्जामिनेशन कराया गया है ताकि सभी पहलुओं की बारीकी से जाँच कराई जा सके। लेकिन जिस तरीके से पौश इलाके में हजरतगंज में ये पूरा मामला फायरिंग का सामने आया है जिसमें एक शख्स की मौत हुई है, उसके बाद इस पूरे इलाके में हड़कंप का माहौल देखा गया जिसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पहुँचा है और पूरे सबूतों को इकट्ठा किया गया है ताकि ये साफ हो सके कि ये पूरा मामला एक्सीडेंटल फायर का है या इसके पीछे भी कोई साजिश है। कहना मैं मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ। और मुकाई वारदात से इंडिया टीवी संवाददाता विशाल प्रताप की आपने रिपोर्ट देखी। लखनऊ से ही विशाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, अभी तक की जांच के बाद पुलिस क्या मानकर चल रही है? जिन 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है उनसे पूछताछ में अभी तक क्या सामने आया? देखिए सुरभि, इस पूरे मामले में लखनऊ पुलिस की जो पूछताछ है वो लगातार जारी है। पुलिस को शुरुआती पूछताछ में इन सभी लड़कों ने ये बताया था कि जो मृतक है राकेश रावत, वो इस अवैध पिस्टल को फ्लैट पे लेकर के आया था। हालांकि उस समय भी यही बात बोली गई थी कि ये फायर एक्सीडेंटल हुआ था, लेकिन बाद में इस पूरे मामले में पुलिस ने सघनता से पूछताछ की तो ये साफ हो गया कि फ्लैट में ही रहने वाले पंकज की ये पिस्टल थी। छीना झपटी में, आपस में देखरी में या पिस्टल के साथ छेड़छाड़ करने में ये एक्सीडेंटल फायर हुआ है, ये फिलहाल शुरुआती इन्वेस्टिगेशन आया है। लेकिन फॉरेंसिक जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस जो अपार्टमेंट है लाप्लास अपार्टमेंट यहाँ पहुँचे हुए हैं। सभी ने मौके से सबूत उठाए हैं ताकि ये एस्टैब्लिश किया जा सके कि ये पूरा मामला वाकई में जो लड़के बता रहे हैं एक्सीडेंटल फायर का है या फिर इसके पीछे कोई साजिश है, हत्या का मामला है। तो इस पूरे मामले में जाँच की जा रही है लेकिन जो प्रथम दृष्टया बात सामने आ रही है, जो अभी तक की पूछताछ में बात सामने आ रही है, पुलिस इसको एक्सीडेंटल फायर का केस मान के चल रही है। लेकिन पूरे इन्वेस्टिगेशन को किया जा रहा है ताकि यह एस्टैब्लिश किया जा सके कि 302 यानी कि इस पूरे मामले में किस तरीके की बात सामने आई है, किस तरीके की सच्चाई है। लेकिन जिस तरीके से शराब के नशे में लड़के थे उसके बाद खुद ही उन्होंने अपने दोस्त को उठा करके ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया तो यह मान के चल रही है पुलिस कि इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन जारी है लेकिन शुरुआती मामला एक्सीडेंटल फायर का लग रहा है। पुलिस इस जांच के बाद क्या बता रही है यह भी दर्शकों को दिखा देते हैं। लाप्लास में जो मकान नंबर 201 है या फ्लैट नंबर 201 है उसमें कल रात में कुछ 5 लड़के जो पहले से दोस्त थे, एक विनय नामक लड़के का बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे जिसमें लोग शराब भी पिए हुए थे। उसमें विनय नामक लड़के के हाथ से बंदूक, जब वो लोग उसके जो मृतक है उनके साथ जो बंदूक को लेकर छेड़खानी कर रहे थे उस समय जो पिस्टल है, जो कंटीमेट पिस्टल है, उससे गोली चल जाती है और राकेश को गोली लगती है। राकेश के बाद गोली लगने के बाद राकेश की मृत्यु हो जाती है। इस सिलसिले में पुलिस ने 4 अभियुक्तों को पकड़ लिया है। जो 4 लोग थे उनको पकड़ लिया जो पार्टी में मौजूद थे। शुरुआत में जब इनसे पूछताछ की गई, जिन लोगों ने द्वारा बताया गया कि पार्टी में ऐसी ऐसी घटना हुई जिसमें ये पिस्टल मृतक यानी कि राकेश ही लेके आया हुआ था और इसी के साथ छेड़खानी करते वक्त इससे गोली चली और राकेश को लगी। लेकिन पुलिस जब और गहनता से पूछताछ की तब पता चला जो इस घर में रहता था यानी कि पंकज, ये पिस्टल एक्चुअली उसकी है। ये पिस्टल कंट्रीमेड पिस्टल है, नॉट लाइसेंस से पिस्टल नहीं है
और 32 बोर का है। उसके बाद फर्दर जब पूछताछ और की गई है तो पता चला कि इसका एक और मैगजीन है और 3 राउंड बुलेट इसमें और है। फिर इन्हीं के ही निशानदेही पे पुलिस वो तीनों बुलेट और वो मैगजीन रिकवर करती है। इसके साथ साथ जो मेन असला था जिस जो घटना में उपयोग हुआ था वो विसल द्वारा रिकवर की गई है। इसके बाद जो मृतक के डेड बॉडी है उसको मॉर्चरी में भेजा गया है। मॉर्चरी में उसकी पोस्टमार्टम की तैयारी हो रही है। और आज की एक और बड़ी खबर, दिल्ली में हर बढ़ते दिन